कैसे मालूम पत्ते? शरीर को कछु पत्तन से दबकाए के बैठो बच्चे देखो यहाँ होगो का। अब देखो विचार कर रहा भीम अपे मन में, नाना जी आदमी अकेलो बैठो हुए कहूँ अकेलो तो अपने आप सवाल सोच लियो पे आप जवाब दे लियो अपने आप। भीम ने विचार करो मुझे ऐसा लगा तो यहाँ नाच होगा, फिर बोलो नाच तो ना ही हो, नाच हो तो तुझे इतना ऊंचो सिंहासन का ही बोलो, फिर विचार करो मुझे लगते नाचो भाई जाई बना चाहिए आएगी, फिर विचार करो हुआ सो हुआ देखू तो ताखन पवन पुत्र भीम विचार कर रहा है कि जी देखू आवे को तो महाराज सबसे पहले चले को तीनों लोगों के नाथ त्रिपुरारी भगवान। भीमसेन ने विचार करो अभी कोई देखे बाबा आओ ना जी भोले बाबा आएंगे और आए के सिंहासन में बैठेंगे। भीमसेन मन में विचार कर रहे हैं ताखन लला लवकुश बहु का अरे बगल में और तारी लयो ए झोला धरी ध्यान बगल में तारी लयो ए नंदी पर सवार होकर के चले। अरे शंभु नहीं समय लगाई है, अरे शंभु नहीं समय लगाई है, नीचे जाय की गए पैथी बिछिया ना तो बिछाई है, नीचे पवन पुत्र विचार कर रहा है कि भोले बाबा आए गए मुझे ऐसी लग रही है जैसे सिंहासन पर भोले बाबा बैठेंगे, लेकिन नाना जी भोले बाबू ने नंदी छोड़ो और आए के नीचे जो पिछोना डरो वहां पर बैठ गए। मैंने विचार करो अब कौन सो देवता है सबसे बड़ो सो जहां पर बैठे हैं, फिर विचार करो ऐसा लग रही है मुझे कि देवराज इंद्र देवतन के गुरु हैं राजाएं देवतन के तो बे आए के बैठेंगे ताखन। अरे चल दयो अदिति को छैया, अरे चल दयो अदिति को छैया, बेऊ के नीचे बैठ सोच रहो कुंती
भगवान भोले बाबा आए वे नीचे, इंद्र देवता आए वे नीचे बैठ गए। अब विचार करो कोई कालगिरी है जा पे। अच्छा फिर भीमसेन ने सोची अब जी देखू पहले आबे कुकू ताखन देखो खुद बाबा भीषम जितने कौरव हैं सब चारों भैया भीमे छोड़ के बाकी बचे सो नजर करीब काम हाले पर रही है कि जी भीषम बाबा चले आए रहे दाढ़ी लटकाए के सफेद मोए आज तक जेना है मालूम परी के जे जात का है रात को अच्छा रोज आत होंगे भीमसेन विचार कर रोपे दिल में पर आज मैं देखूं कि यहाँ होगो का फिर विचार करो सब लोग आए और महाराज जितने आए सब आए के नीचे बिछोना पे बैठ गए लेकिन सिंहासन माऊ काऊ की हिम्मत ना आए। अब भीम ने विचार करो अब मुझे लग रही है कि जे बैठे सब कन्हैया आए देखिए चूंकि सिंहासन रो सिंहासन में कन्हैया बैठ सकते हैं और कोई बैठेगा ना तो भीम ने विचार करो कन्हैया आज आए ना रे क्यों कि जब तक मैं दवाई ना लेके जाऊंगा तो तक तीन दिन आएगे उठे ना आए आज मुझे मालूम पड़ गई लवकुश का अरे आज नहीं आवेंगे ये तुराई आज नहीं जब मैं नगर से आओ तो कन्हैया ने मुझसे एक बात कही का तीन दिन से अन्न नहीं खायो अन्न नहीं खायो बिन पे उठो न बैठो जाई आज विचार किया कन्हैया डरे मरे जा रहे कराए रहे
और जे सब बैठे कन्हैया के इंतजार में जा सिंहासन पे आके कन्हैया बैठे हो और वो तब तक नहीं आवे जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा। नाना जी भीमसेन अपने मन में इतना विचार कर रहे तब तक ही भीमसेन मन सोच रहे तोलू बंसी श्याम बजाई बाजुना आवे ये अधुराई बोलिए गोविंद भगवान की। नाना जी अब माफ करो परेशान है मैं थोड़े से। हाँ अगर कुछ हकीकत पूरा भैया बहुत परेशान हूँ मैंने तो बहुत नाई करी तुम्हारी की समझ नाती घंटिया ले ना अभी सुनो ऐसा सब उन्होंने रोज अब नहीं बाबा आ जाइए तो बाद में फिर आ जाइए।